दोस्तों तीसरे 2020 मुकाबलों के लिए बदल गई पाकिस्तान टीम, 11 विस्फोटक भूखे से रोकी हुई एंट्री। तो क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप पाकिस्तान टीम के सच्चे वाले फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों पाकिस्तान और श्रीलंका टीम के बीच खेले जा रहे 5 मैचों की 2020 अभ्यास सीरीज के तीसरे मुकाबले के लिए पूरी पाकिस्तान टीम बदल दी गई है। आपको बता दें कि शुरुआती के दोनों 2020 मुकाबलों को जीतने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तीसरे 2020 मुकाबलों के लिए पूरी पाकिस्तान टीम को ही बदल कर रख दिया है, जिसमें से पाकिस्तान टीम के सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। तो वहीं कुछ ऐसे नए युवा खिलाड़ियों को श्रीलंका के खिलाफ तीसरे 2020 मुकाबलों के लिए पाकिस्तान टीम में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि तीसरे 2020 मुकाबलों के लिए पाकिस्तान टीम का कमान शादाब खान को सौंपा गया है। वहीं टीम में युवा बल्लेबाज मोहम्मद हुरैरा और ऑलराउंडर आमिर जमाल को टीम में एंट्री कराई गई है। वहीं पाकिस्तान टीम में एक बार फिर मोहम्मद आमिर को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान टीम के लिए साल 2019 में आखिरी बार मैदान पर उतरे थे। उनके बाद से मोहम्मद आमिर पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं रहे हैं। हालांकि मोहम्मद आमिर पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हुए दिखे, लेकिन 4 साल बाद दोबारा पाकिस्तान राष्ट्रीय टीम में मोहम्मद आमिर की वापसी कराई गई है। वहीं टीम में शान मसूद को मौका दिया गया है। आपको बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ तीसरे 2020 मुकाबलों के लिए पाकिस्तान टीम की कप्तानी सदाम खान करते हुए दिखेंगे। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड द्वारा पाकिस्तान टीम का प्लेइंग 11 इस प्रकार होने वाला है, जहां टीम में ओपनिंग पेयर की जिम्मेदारी फखर जमान और इमाम उल हक को दी जा सकती है। तो वहीं तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर सैम अयूब, शान मसूद और शादाब खान। तो वहीं छठे स्थान पर हसन अली, सातवें पर आमिर जमाल, आठवें स्थान पर मोहम्मद हुरैरा और नौवें, दसवें और ग्यारहवें स्थान पर उस्मान मीर, मोहम्मद हसनैन और मोहम्मद आमिर को रखा गया है। तो दोस्तों आपके अनुसार और किस पाकिस्तान प्लेयर को तीसरे 2020 मुकाबलों के लिए पाकिस्तान टीम में मौका मिलना चाहिए था, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और क्रिकेट के ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।